व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक शानदार और इंटरेस्टिंग डे के साथ में। इसके बाद में फिर लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और ये लेक्चर आप लोगों को टकटकी लगाकर देखना है, ताकि वीडियो के एंड में जो क्विज होगा उसका आंसर आप लोग अच्छे से दे सके। और देखिए, जब आप लोग आंसर अच्छे से देंगे तभी आप लोग कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ कुछ पढ़ाई हुई है। तो इसलिए जितना अच्छे से हो सके वीडियो सुनिएगा, इसी तरीके से फिर आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो लंबे समय तक याद भी रहेंगी। और आज आप लोगों का जो टेस्ट था वो मैं कंडक्ट नहीं करा पाया, आप लोगों को पता है कि गले की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो थोड़ा सा रेस्ट मिल गया है गले को, वरना एक घंटे से ज़्यादा वो वीडियो हो जाती है और उसके चलते काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा मतलब कि अब गले का थोड़ा सा मतलब, अभी मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था तो कह रहा था थोड़ा, तो डॉक्टर के द्वारा बोला गया कि थोड़ा सा आराम देना है गले को, तो ज़्यादा आराम तो देखें नहीं दे पाएंगे, पर लेकिन जितना पॉसिबल है उतना दे लेते हैं, ठीक है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले जिनोसाइड विक्टिम्स डे के बारे में। जिनोसाइड टर्म के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो इसका मतलब होता है नरसंहार, यानी कि काफ़ी मास स्केल पर लोगों की हत्या कर देना, उसको बोलते हैं जिनोसाइड। ये डे 9 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये जो डे सेलिब्रेट किया जाता है ये यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में UNGA भी बोलते हैं, इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि वर्ल्ड लेवल पर जो भी यहाँ पर विक्टिम है इस पर्टिकुलर क्राइम के, यानी कि किसी के घर वाले मारे गए या किसी का कोई रिश्तेदार मारा गया है, तो उन लोगों को क्या झेल रहे हैं, एक तो उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना और इसी के साथ में ताकि फ्यूचर में यहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम न देखने को मिले तो उसको भी रोकना। तो यह है बेसिक इसका पर्पज, इस डे को सेलिब्रेट करने का। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पर्पज यही है, कोई भी डे अगर सेलिब्रेट करते हैं कि अगर कोई गलत चीज़ हो रही है तो वो गलत चीज़ कंटिन्यू न रहे, उस गलत चीज़ को रोका जा सके, यही बेसिक इसका पर्पज होता है। और अगर कोई उसको झेल चुका है तो उसको हम लोगों को कैसे सपोर्ट करना है, ताकि वो एक अच्छी लाइफ को अपनी को टैकल करके एंजॉय कर सके। तो ये होता है बेसिकली इस डे का मतलब। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये 9 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और यहाँ पर जो ये डे है ये यूएन जनरल असेंबली के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, ताकि इस तरीके से डे सेलिब्रेट कर सके। और सितंबर 2015 में यहाँ पर ये जो डे है, ये इंटरनेशनल जो डे हम लोगों ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। बेसिक पर्पज आप लोगों को मैंने बता ही दिया। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। ये आप लोगों के सामने क्विज जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। इससे ये पता चलेगा लास्ट वाली वीडियो कितनी अच्छे से आप लोगों ने सुनी है, और जिसने लास्ट वाला लेक्चर नहीं सुना है उसका भी एक तरीके से रिवीजन भी यहाँ पर हो जाएगा, तो आप भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स ये कौन से राज्य में है आप लोगों को ये बताना है, या फिर सिटी का भी नाम बता देंगे तो भी बेटर रहेगा, जो भी सुटेबल लगे आप लोग बताएगा, क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है आर्म फोर्स फ्लैग डे और या फिर फ्लैग डे ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका पर्पज ये है कि हमारी कंट्री में जो आर्म फोर्स है हमारी, वो किस तरीके से हमारी रक्षा करती हैं, अगर उनको कुछ हो जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम उनके शरीर में हो जाती है, तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग उनके फैमिली के लिए कुछ करें। तो एक तरीके से ये कॉन्ट्रीब्यूशन डे आप लोग बोल सकते हैं। तो कब से हम लोगों ने ये सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया ये आप लोगों को बताना है। शिपिंग मिनिस्ट्री के बारे में अगर बात करें यहाँ पर, तो इसके द्वारा अभी बात की गई है वाटरवेज के बारे में, इनलैंड वाटरवेज कहाँ पर, लोक तक, तो लोक तक ये लेक है, इसके ऊपर यहाँ पर बात की गई है। आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है ये सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम है ये किस राज्य का यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है, ये आप लोगों को बताना है। या शॉर्ट फॉर्म में मैं आप लोगों से बोलूँ तो आप लोगों को ये बताना है बेसिकली यहाँ पर कि यहाँ पर लोक तक लेक जो है वो किस राज्य में है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन पास्ट में कई बार पूछा गया, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर अगर बात करें, ये बात की जा रही है फुमडीज के बारे में, ये एक आइलैंड है, सीरीज ऑफ आइलैंड जो कि फ्लोटिंग आइलैंड जिसको आप लोग बोलते हैं, तो ये किस लेक में पाया जाता है ये आप लोगों को बताना है, जो फ्लोटिंग आइलैंड की बात की जा रही है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चलता हूँ। नेक्स्ट बात की जा रही है मध्य प्रदेश में इंडियन आर्मी के द्वारा भी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया यहाँ पर, ये है स्पाइक LR एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो आप लोगों को ये बताना है ये किस कंट्री के द्वारा इंडिया को प्रोवाइड कराई गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें फर्स्ट एवर यानी कि पहली बार नेशनल स्टार्टअप अवार्ड के बारे में, तो ये जो अवार्ड है ये अवार्ड किसके द्वारा ऑनर किया गया ये आप लोगों को बताना है। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है गोटबिया राजपक्से, इसके बारे में बात की जा रही है, 2 दिन की विजिट पर ये हमारी कंट्री आए थे, तो हमारी कंट्री के द्वारा इनको काफ़ी अच्छी हेल्प प्रोवाइड कराई गई, लगभग 400 मिलियन क्रेडिट दिया गया यहाँ पर, लाइन ऑफ क्रेडिट। तो इसमें से कितना यहाँ पर यूज़ करने की बात की जा रही है सोलर प्रोजेक्ट के लिए ये आप लोगों को बताना है। 50 मिलियन के करीब यहाँ पर जो टेररिस्ट जो एक्टिविटी होती है उनको रोकने की बात की जा रही है, बाकी कितना प्रोजेक्ट यहाँ पर यूज़ करने की बात की जा रही है सोलर प्रोजेक्ट के लिए ये आप लोगों को बताना है। आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बात की जा रही है बोधगया कहाँ पर है, बिहार के अंदर में है। तो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट का भी पार्ट है।
आर्म फोर्स फ्लैग डे के बारे में बात करें या फिर फ्लैग डे ऑफ इंडिया भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, ये दिसंबर 7 को सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ पर ये हमारी कंट्री में 1949 से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था, ताकि आर्म फोर्स की जो हमारी कंट्री में जो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, हमारी हेल्प प्रोवाइड कराते हैं, उनके लिए हम लोग कुछ कर सकें। तो नेक्स्ट बात की जा रही है शिपिंग मिनिस्ट्री के बारे में, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि शिपिंग मिनिस्ट्री के द्वारा अभी यहाँ पर लोक लिए यहाँ पर है लोक तक लेक, जिसके बारे में अभी आप लोगों से बात की, और यहाँ पर जो फुमडीज है ये इसी लेक के अंदर है, जो कि एक तरीके से फ्लोटिंग आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको वाटरवेज के तरीके से जनरेट करने की कोशिश की जा रही है। याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था सबसे ज्यादा महंगा पड़ता है एयरवेज, दूसरे नंबर पर रोडवेज, तीसरे नंबर पर रेलवेज और चौथे नंबर पर वाटरवेज। यानी कि वाटरवेज सबसे सस्ता मीडियम है एक सामान को दूसरे से, एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का। तो इसलिए भी काफ़ी अच्छे से अगर आप लोग डेवलप्ड वर्ल्ड में जाएंगे तो बहुत अच्छे से यूज़ करता है वाटरवेज, पर हमारी कंट्री में अब इनको ढंग से डेवलप किया जा रहा है। बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश में इंडियन आर्मी के द्वारा इसराइल के द्वारा जो हमको प्रोवाइड कराई गई है स्पाइक LR एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तो ये हैं जिनको फायर एंड फॉरगेट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि एक बार छोड़ दो फिर ये टारगेट को अपना फिट करेंगे। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल, ये इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको DPII आप लोग बोलते हैं, DPIIT, ठीक है, तो ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। इसके द्वारा यहाँ पर बात की नेशनल स्टार्टअप अवार्ड के बारे में, श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है ये गोटबिया राजपक्से, गोटबिया राजपक्से साहब के द्वारा 100 मिलियन का क्रेडिट यहाँ पर अनाउंस किया गया, किसके लिए यहाँ पर हमारी कंट्री में, ये सॉरी हमारी कंट्री के द्वारा अभी यहाँ पर ये इनको क्रेडिट अनाउंस किया गया, ताकि ये अपनी कंट्री में सोलर प्रोजेक्ट यहाँ पर लगा सके। तो एक तरीके से हमारी कंट्री की साइड से हेल्प है। आखिर क्या रीज़न है इतना हेल्प करने की? रीज़न ये है अगर हम लोग हेल्प नहीं करेंगे तो फिर ये चाइना के साथ में जाकर मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा पड़ोसी देश हमारे साथ में लॉयल रहे, तो इसके चलते यहाँ पर ये सारे स्टेप उठाए जाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि मुझे याद आ रहा है एक बच्चे ने पूछा था, सर हमारी कंट्री खुद इतनी गरीब है, हम दूसरे की हेल्प क्यों करते हैं? तो देखिए ये एक अलग पार्ट हो जाता है, ये आप लोग इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे सोसाइटी में रहने के लिए हर एक इंसान ये चाहता है कि कुछ ना कुछ उसकी इज्जत बनी रहे, तो कुछ चीज़ें ऐसी रहता है भले ही उसके घर में कुछ नया हो खाने पीने के लिए, पर लेकिन अगर घर पर कोई मेहमान आता है तो उसको जरूर खाने के लिए वो देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इनकी हेल्प नहीं करेंगे, हम लोग एक बड़ी कंट्री है यहाँ पर इंडियन ओशन के अंदर में और हमारे नाम से इंडियन ओशन जाना जाता है, तो अगर हम लोग हेल्प यहाँ पर नहीं करेंगे तो फिर ये किसी और के पास में जाएंगे और फिर हमारी कंट्री के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है, जैसे कि चाइना आप लोग जानते हैं। तो ये काफी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो जाती है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की ओर, बात करते हैं यहां पर नैनो न्यूज के बारे में। सबसे पहले जो न्यूज निकल कर आ रही है काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर इंटरनेशनल रिलेशन की भी आप लोग बात करें तो इस तरीके के जो पॉइंट है आप लोग वहां पर यूज कर सकते हैं। वैसे प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, और अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेंगे किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बारे में, तो बोल देंगे यहाँ पर सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है वो किस दो कंट्री के बीच में है, ठीक है। तो सूर्य किरण एक्सरसाइज का अब की बार कौन सा एडिशन है, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर ये इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण एक्सरसाइज, जो कि एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। कौन सा एडिशन है ये अभी इसका 14वां संस्करण है, यानी कि 14th एडिशन इसका देखने को मिल रहा है, जो कि 3 से लेके 16 दिसंबर तक यहाँ पर ये कहाँ पर हो रहा है, ये नेपाल के अंदर में हो रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या पॉइंट आप लोगों को याद रखने होते हैं। सबसे पहली बात होती है एक्साइज किस किस के बीच में और यहाँ पर कहाँ पर ये हो रही है, और इसी के साथ में यहाँ पर जो एक्साइज है यहाँ पर ये कौन से नंबर की एक्साइज है, कई बार ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं। एग्जैक्ट अगर लोकेशन का नाम आप लोग याद करना चाहे तो सलझांडी ये है यहाँ पर रूपनदेही डिस्ट्रिक्ट नेपाल के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्साइज जो सूर्य किरण है यहाँ पर ये 14th एडिशन अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और जो कि एनुअली ऑल्टरनेटिवली यानी कि एक साल हमारी कंट्री में और एक साल नेपाल में आप लोगों को नजर आती है। बेसिकली पर्पज यही है कि किस तरीके से हमारी और नेपाल की जो आर्मी है वो मिलकर काम कर सकती हैं और इंटर ऑपरेबिलिटी यानी कि अगर जरूरत पड़े तो एक दूसरे के साथ मिलकर कोई यहाँ पर अगर ऑपरेशन चलाना हो किसी जंगल के अंदर या काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटी चलानी हो तो किस तरीके से दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर को भी यहाँ पर टैकल कर सके या फिर डिजास्टर रिलीफ यानी कि जैसे अर्थक्वेक आया था नेपाल के अंदर में, तो हमारी कंट्री के द्वारा वहाँ पर हेल्प प्रोवाइड कराएगी। तो ये इस तरीके से यहाँ पर दोनों मिलकर काम करने की बात करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सूर्य किरण एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में। एक बार नेपाल को आप लोग एक बार मैप में निहार सकते हैं, क्योंकि कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सा कंट्री कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है, मैप बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। तो नेपाल जो है वो एक तरीके सैंडविच है, यानी कि चाइना और इंडिया के बीच में ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोगों ने बर्गर खाया होगा, ठीक है। तो ये बर्गर की टिकिया है ये इंडिया और चाइना के बीच में, जो कि आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर ये इसकी कैपिटल हो गई काठमांडू, और ये हिमालयन वाला रीजन है जहाँ पर नेपाल आप लोगों को नजर आएगा। इसीलिए नेपाल में वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है।
तो ये भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। और नेपाली रूपी यहाँ पर एज ए करेंसी यूज की जाती है, ठीक है, और ये इसका फ्लैग हो गया, और साउथ एशियन ये एक कंट्री है। ओके आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर हमारी कंट्री में। आप लोगों को पता है अभी रिसेंटली जो विंटर सेशन चल रहा है, तो लोकसभा राज्यसभा में जो विंटर सेशन चल रहा है उसके बारे में बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट है उनके द्वारा राज्यसभा में क्वेश्चन पूछे जाने के बाद में आंसर दिया गया। तो यहाँ पर आसाम और उत्तर प्रदेश के अंदर जो गैंगेटिक डॉल्फिन है जो पाई जाती है उसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, उसके रिलेटेड जो डेटा था। तो यहाँ पर बोला गया प्लेटिस्टा जो गैंगेटिक यहाँ पर बेसिकली जो डॉल्फिन है उसका नाम आप लोग देखते हैं, ये आसाम के अंदर अगर बात करें यहाँ पर जनवरी से लेके मार्च तक का जो यहाँ पर ये एक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला, और उसी के साथ में यहाँ पर कितने से यानी कि बेसिकली फंडा ये है कि कहाँ कहाँ पर कितनी पाई जा रही है तो उसको काउंट करने की कोशिश की जा रही है। तो एक असेसमेंट यहाँ पर किया जा रहा है एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के ड्यूरेशन में, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर जो बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके ऊपर पूरे यहाँ पर एक आप लोग एनालिसिस बोल सकते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर आप लोग जानते हैं कि आसाम की लाइफलाइन आप लोग बोल सकते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर को, जो कि आगे चलकर ब्यो बंगाल में जाकर गिर जाती है बांग्लादेश के थ्रू होती है, और यहाँ पर गंगा आकर मिलती है इससे, इससे पहले इसको जमुना और फिर इसको पद्मा बोलते हैं और यहाँ इसको मेघना बोल देते हैं, और यहाँ पर यह सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसको सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं, और सुंदरी एक इंपॉर्टेंट ट्री है जिसके नाम पर इस डेल्टा का नाम रखा गया है। कुछ और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, ये आसाम का अगर आप लोगों से पूछे कि एक्वेटिक एनिमल कौन है यहाँ पर, तो ये गैंगेटिक डॉल्फिन है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में अगर आप लोगों से बात करें तो उसके द्वारा यहाँ पर इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि खस्ता हालत है, कोई ज़्यादा अच्छी हालत आप लोग नहीं बोल सकते। तो इसी के चलते हमारी कंट्री में ये कंजर्वेशन एक्शन प्लान की बात की जा रही है गैंगेटिक डॉल्फिन की 2010 से लेकर 2020 तक, जिसके चलते यहाँ पर कैसे हम लोग इनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि ये कोई प्रॉब्लम फेस न करे, ठीक है। तो जो डॉल्फिन है यहाँ पर जो इम्पैक्ट होता है रिवर के ऊपर, इसी के साथ में जो इरीगेशन कैनाल बनाई जाती है या फिर कोई और प्रोजेक्ट लगाया जाता है, तो उसके चलते जो रिवर के अंदर डॉल्फिन है वो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर रीज़न दिखा रहा है ये वो रीज़न है जहाँ पर ये मेनली पाई जाती हैं। ओके तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा, आइए अब आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं, ना ये एक मलयालम पोएट है, नाम है अखितम अच्युतम नामभोतारी, पॉपुलरली इनको अखितम के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इनके बारे में कि 55वां जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो यहाँ पर अभी इनको दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी किस एरिया से बिलोंग करते हैं, तो ये मलयालम लैंग्वेज बोलते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों से ये पूछा जाएगा किस लैंग्वेज से रिलेटेड ये पर्टिकुलर राइटर है, तेलुगु मलयालम हिंदी संस्कृत, तो वो सब चीज़ें। तो यहाँ पर जो है ये मलयालम एक राइटर हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड इनको दिया गया है, तो इनके द्वारा कई सारी शानदार रचनाएँ की गई है। पहला बोला गया है वीरवंदनम, ठीक है, दूसरा बोला गया यहाँ पर बाली दर्शनम, इसी के साथ में यहाँ पर निमिषा अमृता खटिका, ये यहाँ पर अखितम कविता का थका, ठीक है, थका का, इसी के साथ में इपिक 20th century, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी इनकी सारी रचनाएं शानदार। इसी के साथ में पद्मश्री इनको ऑलरेडी मिल चुका है, और इसी के साथ में साहित्य अकेदमी अवार्ड 1973, केरला साहित्य अकेदमी अवार्ड 1972 और 1988, तो ये सारे अवार्ड आप लोग यहाँ पर इनको देख सकते हैं। ये यहाँ पर बात की जा रही है मथु रुभूमि अवार्ड, इसी के साथ में ये छोटे छोटे अवार्ड आप लोगों को याद रखने में से ये आप लोगों से कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। वाईएलआर अवार्ड, इसी के साथ में कबीर समन, तो ये आप लोग इसके बारे में आइडिया रखेगा, पर लेकिन पद्मश्री थोड़ा सा आप लोग आइडिया रखते हैं, और साहित्य अकेदमी अवार्ड, और बाकी आप ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। अवार्ड के बारे में कुछ बात यहाँ पर कर लेते हैं जिसको हम लोग ज्ञानपीठ अवार्ड बोलते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे पहले तो यहाँ पर ये भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा यहाँ पर दिया जाता है, जो कि एक लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर ये फोकस देकर चलती है, और दिल्ली में ये बेस है। ये यहाँ पर इससे पहले जो यहाँ पर अवार्ड की बात करें, मोस्ट रिसेंट जो थे यहाँ पर वो थे अमिताभ घोष, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। 1961 में ये अवार्ड स्टार्ट किया गया था, और हमारे संविधान में टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज है 8th schedule के अंदर में, तो टोटल मिलाकर 22 तो वो लैंग्वेज प्लस एक इंग्लिश, यानी कि 23rd लैंग्वेज में ये अवार्ड दिया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर ये हमारी कंट्री के जो नागरिक हैं ओनली उन्हीं को ये अवार्ड दिया जाता है, यानी कि ये इंडियन राइटर हैं उन्हीं को ये अवार्ड दिया जाता है, किसी बाहर के राइटर को अवार्ड नहीं मिलेगा। पोस्टमिसली ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा, यानी कि अगर डेथ हो जाती है इंसान की तो उसको यहाँ पर ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा, ओनली जिंदा इंसानों को ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन लिटरेसी के फील्ड में, जैसे कि 23 लैंग्वेज यानी कि 22 8th शेड्यूल की लैंग्वेज और प्लस 1 इंग्लिश, तो उसमें यहाँ पर दिया जाता है 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसी के साथ में ब्रोंज का यहाँ पर एक सरस्वती जी की स्टेचू जो आप लोग यहाँ पर देखते हैं ये दिया जाता है।
तो ये नॉलेज और विजडम की यहाँ पर एक तरीके से तस्वीर मानी जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, 1965 में पहला अवार्ड दिया गया था, और इसी के साथ में जो रिसेंटली दिया गया ये इससे पहला अवार्ड दिया गया, तो इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाए तो आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये अभी 2020 में जून में दिया जाएगा। कई बार अगर कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क न्यूज़ में है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। यहाँ पर बात की जा रही है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जिसका नाम है टैली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बने टैली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर टैली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो यहाँ पर ये स्नेक पाया जाता है इसका नाम है यहाँ पर ट्रेकिशियम एपेडी, ठीक है। तो ये स्नेक अभी रिसेंटली न्यूज में है, रिसर्चर के द्वारा यहाँ पर इसको डिस्कवर किया गया कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, जिसका नाम है टैली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक नॉन वर्मिस यहाँ पर ये स्पीसीज है जो कि इस पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लोगों से एक तो हो गया यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा इसका नाम और किस पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पर ये पाया गया है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बन जाते हैं। और टोटल मिलाकर अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, इसको स्लेंडर स्नेक के नाम से भी आप लोग जानते हैं, और ये 7 स्पीसीज हैं जो कि अक्रॉस द यहाँ पर जो हिमालयन रीजन है आप लोग को देखने को मिलता है, इंडो बर्मन या फिर इंडो चाइना रीजन में आप लोग को ये नजर आएगा। तो देखिए पर्टिकुलर रीजन में अगर आप कोई इस तरीके से कोई स्पीसीज होती हैं, और खासकर नॉर्थ ईस्ट के बारे में अगर बात करें तो आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पास्ट में भी यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में आप लोग जरूर रख सकते हैं, और इसी के साथ में ये यह है यहाँ पर टैली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के सामने जो बात की जा रही है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। देखिए अगर आप लोगों से कोई हमारे संविधान के बारे में बात करें तो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट के बारे में आप लोगों को बताया, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। फंडामेंटल राइट यानी कि हमारी कंट्री में जो सिटीजन है उनके हाथ में ये राइट है जो कि हमारी कंट्री में सिटीजन को एक तरीका अधिकार आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा, द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अगर आप लोगों के पास में पावर है तो आप लोगों के पास में रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा रहेगी। आप लोग एक साइड में अगर किसी कलर की पोस्ट पर जाते हैं और एक साइड में अगर आईएएस की पोस्ट पर जाते हैं तो दोनों में डिफरेंस नजर आएगा रेस्पॉन्सिबिलिटी का। जितनी ज्यादा पावर होगी आईएएस के हाथ में उतनी ही ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जब बात करें फंडामेंटल राइट के बारे में तो वो पावर है, और अगर बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पर लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में स्टार्टिंग से नहीं थी, उनको बाद में ऐड किया गया है। तो बार बार जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, प्राइम मिनिस्टर की बात कर ले, वाइस प्रेसिडेंट या फिर लॉ मिनिस्टर, ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर फोकस देते हैं कि सिटीजन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज पर फोकस देकर चले। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारे संविधान में इनकॉर्पोरेट की गई पार्ट 4A, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में इनको डाला गया, और ये भी इमरजेंसी के ड्यूरेशन में, यानी कि इससे पहले हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, तो इनको ऐड किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, तो 42वां, जिसको आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूछे कहां पर ऐड किया गया, तो पार्ट 4 में ऐड किया गया, पार्ट 4 के A में, ठीक है। पार्ट 4 में आप लोगों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जो कि स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है टुवर्ड द सिटीजन, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखेगा। अगर कोई आप लोगों का फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप लोग डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, पर लेकिन अगर डीपीएसपी का कोई हनन होता है तो आप लोग डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी कि एक तरीके से जुडिशियल इन नेचर में नहीं है वो, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर इनके बारे में ये कुछ बातें आप लोग याद रखते हैं। बाकी जो मैंने अभी आप लोगों को बताया इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और जान लीजिए। देखिए स्टार्टिंग में हमारे संविधान में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, पर लेकिन बाद में चलकर एक और ऐड कर दी गई, तो कौन सी ऐड की गई है, तो यह है एजुकेशन से रिलेटेड, जो आप लोग बात करते हैं ना कि चाइल्ड एजुकेशन, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, तो ये ऐड की गई। टोटल 10 थी पहले जो कि आप लोगों के सामने है, आप इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। अगर आप लोगों ने ये अब तक नहीं पढ़ी है तो पॉलिटी में फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर पूरा लेक्चर है, डिटेल में मैंने डिस्कस किया था एक लेक्चर में, ताकि बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोगों को इनके बारे में पता हो। अब बात करते हैं यहां पर इसके बारे में, टोटल मिलाकर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। इन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज में स्टार्टिंग में 10 थी, एक ऐड की गई यहां पर, ये जो ऐड की गई ये 2002 में ऐड की गई, और बाकी की जो ऐड की गई थी वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1976, तो उसमें ऐड की गई थी, यानी कि 10 तो ऐड की गई थी 1976 में, एक ऐड की गई यहाँ पर 2002 में, जो कि बच्चों के एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, और ये 46वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, इससे आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं रिलेटेड, तो इसके बारे में आप लोग कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। तो ये हल्का सा आइडिया रखिएगा इसके बारे में, इनको लॉ के द्वारा इन्फोर्स भी नहीं किया जाता जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, तो ये भी एक फैक्ट है इसके बारे में। उसी के साथ में फंडामेंटल जो राइट है यहाँ पर ये आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं यहाँ पर ये हमारी कंट्री में रशिया से ली गई, और फंडामेंटल राइट के अगर बारे में बात करते हैं तो ये यूएसए से हमारी कंट्री में लिए गए हैं, ठीक है।
यानी कि वहां पर आप लोग बोल सकते हैं जो यूएसए से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट मतलब लिए नहीं है, आप लोगों को कोई बोझ है ना कहाँ से ले गया है। तो एक तरीके से हमने उनसे उनकी चीजें पढ़ी, हम लोग को अच्छा लगा तो हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनको रखा अपने हिसाब से, ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है ऑपरेशन क्लीन आर्ट के बारे में, तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा ऑपरेशन क्लीन आर्ट किससे रिलेटेड है। तो ऑपरेशन क्लीन आर्ट यहाँ पर है, ये है मैंगूज के बारे में। ठीक है, तो ये जो इस तरीके के आप लोगों को छोटे छोटे से जानवर नजर आते हैं, इनके हेयर काटे जाते हैं और वो बेचे जाते हैं, तो इसके चलते काफी न्यूज में रहता है। और कई बार क्या होता है, इनको मार देते हैं और मारने के बाद में हेयर काट लेते हैं, बेसिकली हेयर के ऊपर फोकस दिया जाता है, तो स्मगलिंग इनकी की जाती है। तो उसके चलते यहाँ पर कई सारे लोगों को कन्विक्टेड भी पाया गया है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल जो ब्यूरो है वो यहाँ पर इसके हिसाब से काम करती है ताकि ऐसी एक्टिविटी को रोका जा सके। तो कई बार ऐसी एक्टिविटी लार्ज स्केल पर उत्तर प्रदेश में, जयपुर, राजस्थान, मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र में, केरला में आप लोगों को यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी नजर आ जाती है। तो इसके बारे में कुछ आप लोग बातें याद रखते हैं। जो इनके हेयर हैं वो लगभग 150 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पर बेचे जाते हैं मार्केट में। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर, सॉरी ये प्राइस जो है आप लोगों को एक बार गलत बता दिया, फिर से आप लोग सुनिए, यहाँ पर जो प्राइस है इसका लगभग 3000 से लेके 5000 पर केजी के हिसाब से यहाँ पर ये मार्केट में बेचे जाते हैं। ठीक है, यानी कि एक किलो का हिसाब। और अगर आप लोग यहाँ पर बात करें एक किलो यहाँ पर लाने के लिए लगभग यहाँ पर वो बात की जा रही है 150 किलो के करीब, तो 150 किलो अगर आप लोग लाते हैं लगभग ये मैंगोज, तो 6000 के करीब आप लोग छोटे छोटे जानवर मारने पड़ते हैं तब जाकर यहाँ पर ये निकल कर आता है, यानी कि लार्ज स्केल पर यहाँ पर ये निकल कर आते हैं, जिसके चलते यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि काला बाजारी बहुत लार्ज स्केल पर नजर आती है। कुछ और बातें इसके बारे में अगर बात करें तो 6 स्पीसीज आप लोग यहाँ पर इनकी इंडिया में देखने को मिलती हैं। शेड्यूल सेकंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से बात करें तो हंटिंग वगैरह जो भी यहाँ पर पोजीशन वगैरह इसी के साथ में ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड पनिशेबल ऑफेंस हमारी कंट्री में माना जाता है। इनके हेयर को आर्टिस्ट वगैरह यूज करते हैं और इसी के साथ में काफी लार्ज स्केल पर ब्रिस वगैरह क्वालिटी जो चीजें बनाने में इनको यूज किया जाता है, और ये मैंने आप लोगों को अभी बता ही दिया। ठीक है, तो बेसिक है कि इंपॉर्टेंट है, मार्केट में डिमांड है, तो इसलिए ये मार्केट में आप लोग ऐसी हरकतें देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल पार्क के बारे में, नाम है राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क यहाँ पर स्प्रेड करता है उत्तराखंड के कई सारे एरिया में, जैसे कि सहारनपुर हो गया, यहाँ पर देहरादून हो गया, यहाँ पर पोहरी गढ़वाल हो गया, तो ये तीन डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है 1983 में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है जिनका नाम था यहाँ पर चिला, मोतीचूर और इसी के साथ में राजाजी सेंचुरी को मर्ज कर एक अकेला नेशनल पार्क ये बनाया गया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो तीन डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी यहाँ पर जो बेसिकली ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनको मिलाकर ये बनाया गया, तो ये क्वेश्चन बन जाता है। राजाजी नेशनल पार्क जो नेम है यहाँ पर श्री राज गोपालचारी, जो कि काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से भी आप लोग इनको जानते हैं, फ्रीडम फाइटर थे हमारी कंट्री में, इनके नाम पर ये अवार्ड का नाम रखा गया और इनको भारत रत्न भी दिया गया था 1954 में। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है और इसी के साथ में एलिफेंट काफी लार्ज स्केल पर आप लोग यहाँ पर इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आप लोगों के सामने आज का डिस्कशन, एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने जिनोसाइड विक्टिम डे के बारे में जाना, नेक्स्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर क्विज था डिटेल में समझा, इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर बात की ये ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में, तो इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन जानने को मिली। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर ये एक सांप के बारे में जाना, कहाँ पर पाया जा रहा है, किस सेंचुरी में, ये सब चीज़ें हम लोगों ने जानी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोगों ने देखा चाइना के अंदर एक यहाँ पर जो अभी रिसेंटली यहाँ पर एक काफ़ी पुराना लगभग 140 से 166 मिलियन एगो जो खत्म हो चुका था, ऐसी स्पीसीज के रिमेन्स देखने को मिले। एक एक्सरसाइज के बारे में जाना इंडिया और नेपाल के बीच में, डिटेल में समझा क्या क्या एक्सरसाइज है और क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने डॉल्फिन और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिली जो कि डिटेल में समझी। इसी के साथ में किस एरिया में पाए जाते हैं, कौन से राज्य का ये स्टेट एनिमल है वो जाना। इसी के साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज और इसके बारे में हम लोगों को जानने को मिला, कब ऐड की गई है और किस किस तरीके से क्या क्या कंडीशन है। नेक्स्ट जो न्यूज़ हम लोगों ने समझी ये ऑपरेशन क्लीन आर्ट के बारे में जानने को मिला जो कि डिटेल में हम लोगों ने इसके बारे में जाना। इसी के साथ में नेक्स्ट अगर बातें करते हैं तो राजाजी नेशनल पार्क के बारे में जानने को मिला। आइए अब बात करते हैं आज के क्विज के बारे में। सबसे पहले जो सूर्य किरण एक्सरसाइज के बारे में जानने को मिला, आप लोगों को ये बताना है ये कौन सा एडिशन था इसका। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर अखितम अच्युतम नाम वो तेरी, ठीक है, तो इनका शॉर्ट फॉर्म में नाम क्या है ये बताना है। ज्ञानपीठ जो अवार्ड दिया गया कौन से नंबर का इनको यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट जो यहाँ पर बात की जा रही है गंगेटिक डॉल्फिन कौन से राज्य का स्टेट एक्वेटिक एनिमल है। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन के हिसाब से गंगेटिक डॉल्फिन को किस कैटेगरी में रखा गया है ये आप लोगों को बताना है। पार्ट फोर में फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऐड की गई थी। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर ये नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर अभी जो बात की जा रही है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जब 11th ड्यूटी यहाँ पर ऐड की गई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ऑपरेशन क्लीन एयर के बारे में आप लोगों को ऑपरेशन कौन सा था यहाँ पर ये जो कि यहाँ पर आप लोगों के सामने है, यहाँ पर जिस ऑपरेशन के चलते हुए यहाँ पर जो मैंग्रूव है यहाँ पर उनको उनका जो काली बाजारी होती है उसको रोका जाता है।
तो ये था आज का डिस्कशन मॉर्निंग में एग्जैक्ट 4 AM मिलूंगा। लेक्चर पसंद आता है तो ही लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ताकि उसको आगे से लेक्चर को इंप्रूव किया जा सके। PDF यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीज़ एक जगह इकट्ठे मिल जाएगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अब गला थोड़ा ठीक है पहले के कंपेयर में, थोड़ा सा रेस्ट मिला तो इसलिए थोड़ा सा बेटर लग रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।